वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू बिरयानी रेसिपी। तो उसके लिए हमने कुकर गरम कर लिया है और यहाँ पे चार हमने बड़े आलू लिए हैं जो टुकड़ों में किए हैं। यहाँ पे तीन मीडियम साइज़ की प्याज, गरम मसाले, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और टमाटर, और ये है शाही बिरयानी मसाला। तो अब हम इसमें तेल डालेंगे सरसों का। तीन मैंने बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। आलू को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आलू फ्राई करते समय दोस्तों मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी ताकि इसका रंग अच्छा सा आए। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाले। फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। प्याज को हमें हल्का भूरा रंग में करना है। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने दो यहाँ पे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने तीन टमाटर लिए थे। अब हम डालेंगे हल्दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने लिए है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक कप दही, इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इसमें मैंने डाला है दो चम्मच नमक स्वाद अनुसार। आप भी अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए, इसका रंग काफी अच्छा आया है। अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ आलू डालेंगे। तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे।
मैंने इस कटोरी में 2 चम्मच गुलदाना चावल लिए है जो मैंने धो के रख दिया था। अब हम इस कुकर में ये चावल डाल देंगे। अच्छी तरह से हम चला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की आंच को हम कम कर देंगे। मैंने जो 2 कटोरी कप चावल लिया था उस कटोरी के कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 कटोरी पानी लिया है। अब हम कुकर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला और कुछ कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ता। अब हम इसे बंद कर देंगे और आँच को थोड़ी कम कर देंगे। और मैंने यहाँ 1 सीटी लगाया है और ये देखिए आलू दम बिरयानी रेडी है। ये काफ़ी अच्छा से खिला खिला बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कलर भी काफ़ी अच्छे से आई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।